हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद दीपिका होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू जो कि है ममा अर्थ का अमन हेयर मास्क जी हाँ अर्थ ने अपना एक न्यू हेयर मास्क लॉन्च किया है जिसका वेरिएंट है अमन इससे पहले भी ममा अर्थ के काफ़ी सारे हेयर मास्क मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है ये हेयर मास्क अभी कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ है तो मैंने सोचा क्यों नहीं चलो एक बार इससे भी हम ट्राई करके देखें सबसे पहले मैंने मामा अर्थ का अनियन हेयर मास्क और आर्गन हेयर मास्क यूज़ किए हैं वो दोनों भी मुझे काफ़ी पसंद आए उनको भी यूज करने के बाद में मेरे हेयर काफ़ी स्मूद और काफ़ी मैनेजेबल फील होते हैं सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में ब्रांड क्या क्लेम करता है क्या इसकी स्पेशलिटी है फ्रेंड्स ये है ममाद का आमंड हेयर मास्क विथ कोल्ड प्रेस आमंड ऑयल एंड विटामिन ई e. इसके अंदर आमंड ऑयल है और इसके अंदर विटामिन ई e भी है जो कि आपके बालों को काफ़ी स्मूथनेस प्रोवाइड करता है और आपके बालों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हेल्पफुल होता है ये आपकी हेयर्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है इस प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ है टू इयर्स एंड इसकी एम आर पी है रुपीज़ फाइव हंड्रेड नाइन्टी नाइन जिसमें आपको टू हंड्रेड ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाती है ये इसकी कुछ ऐसी आउटर पैकेजिंग आती है मामा के सारे हेयर मास्क सेम पैकेजिंग के साथ में है कोई कुछ भी डिफरेंस नहीं है ओनली वेरिएंट का डिफरेंस है यहाँ पर और वैसे ही अंदर टब और जार पैकेजिंग इसकी आपको मिलती है मैंने इससे पहले इसके जो भी हेयर मास्क यूज़ किए हैं अलग अलग वेरिएंट में इस ब्रांड के वो भी काफ़ी अच्छे हैं पर्सनली अगर मैं खुद का रिव्यू दूँ किसी भी हेयर मास्क को लेके तो ये जो ब्रांड क्लेम करते हैं कि इससे हेयर ग्रोथ होगा या इससे कुछ आपके बालों में जो हेयर फॉल है वो रुक जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता मैंने अनियन हेयर मास्क यूज़ किया तो जब आप किसी हेयर मास्क को स्कैल्प में यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो वो कैसे आपकी फॉल को रोकेगा सिमिलरली मुझे जितने वेरिएंट मैंने आज तक अपने लिए यूज़ किए हैं सबका मुझे एक ही इफेक्ट देखने को मिलता है कि मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं इसके अलावा आप कोई भी वेरिएंट यूज़ करें उनका कोई खास स्पेशल रिजल्ट मुझे कभी भी नहीं मिला मैंने सी इस ब्रांड के अलावा बाकी ब्रांड्स को भी ट्राई किया है लेकिन हाँ हेयर मास्क हमारे बालों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हम डेली लाइफ में जब अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से डीप कंडीशनिंग नहीं दे रहे हैं तो जब भी आप अपने बालों में कोई भी हेयर मास्क अप्लाई करते हो तो आपके बालों को एक डीप कंडीशनिंग मिलती है आपके बालों को बिल्कुल आ, कह सकती हूँ आप टू टू थ्री टाइम अच्छे से बालों में जो ऑयलिंग करने के बाद में बालों में जो नरिशमेंट देखते हो वो आपको वन टाइम हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद ही देखने को मिलती है फ्रेंड्स आप अभी देख सकते हो मैंने अपने बालों में ये हेयर मास्क आज सुबह ही अप्लाई किया है मेरे बाल मेरे बालों में मुझे काफी अच्छी शाइन एंड स्मूथनेस देखने को मिल रही है आप खुद ही देख सकते हो काफी ज्यादा सॉफ्ट और मैनेजेबल फील हो रहे हैं और आप किसी भी हेयर मास्क को आपके पास जिस भी ब्रांड का हो या किसी भी हेयर मास्क को अप्लाई करते हो तो आपके हेयर्स काफ़ी डीपली कंडीशनिंग उन्हें मिलती है आपके बालों में एक जो हेल्दी हेयर्स आपको होने चाहिए आपके वैसे हेयर्स मेरे मुझे फील होते हैं वरना अभी विंटर्स का टाइम है अगर मैं बात करूं कि डेली अच्छे से चम्पिंग करके या फिर वीक में टू टाइम्स भी अच्छे से चम्पिंग करके अगर कोई हेयर वॉश करने को बोले तो इस ठंड में सच में हेयर वॉश करना पनिशमेंट जैसा लगता है लेकिन हाँ मुझे हेयर मास्क यूज़ करना काफ़ी पसंद है तो मैंने आज आप लोगों के लिए इस हेयर मास्क को अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद रियली फ्रेंड्स मुझे काफ़ी स्मूथनेस मिली बालों में आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं काफ़ी अच्छी शाइन मेरे बालों में मुझे मिली सो दिस इज़ माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस हेयर मास्क अगर आपको इसे ट्राई करना है तो डेफ़िनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो आप ये नहीं कहोगे रिग्रेट नहीं करोगे कि आपके पैसे वेस्ट हुए आप इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली फ्रॉम ममार्थ बाय कर सकते हो वहाँ से आपको मिनिमम ट्वेंटी परसेंट ऑफ तो इस प्रोडक्ट पे मिल ही जाएगा इसके अलावा अगर आप इसे सेल टाइम पे ऑफर टाइम पे बाय करोगे जैसे ममा पे एवरी वेस्डे कोई ना कोई सेल ऑनगोइंग होती है इधर बाय वन गेट वन जैसे ऑफ़र भी ये देते हैं आपको उस टाइम पे ये प्रोडक्ट तो आपको जस्ट हाफ में मिल जाएगा तो अगर आप उनकी वेबसाइट से चाहो वहाँ से बाय कर सकते हो अदरवाइज़ ये फ्लिपकार्ट अमेजन नायका सभी इज़िली अवेलेबल भी है चलिए एक बार हम इसकी आउटर पैकेजिंग भी देख लेते हैं फ्रेंड्स ये है ममार्थ का आमंड हेयर मास्क जो कि है विटामिन ई e के साथ में जो कि आमंड में वैसे ही मिलता है हमें इसकी जो भी इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके इसमें लगा दूंगी इसमें आपको मिलती है टू हंड्रेड ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी जिसके लिए आप पे करते हैं रुपीज़ फाइव हंड्रेड नाइन्टी नाइन ऑफर और सेल टाइम पर प्राइस डिफरेंट हो सकते हैं सेफ लाइफ आपको मिलती है इसकी टू ईयर्स की इसकी जो पैकेजिंग है वो नॉर्मल जितने भी इसके ममार्थ के हेयर मास्क हैं सिमिलर ही है आउटर एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग मिलेगी जिसके अंदर आपको इस तरह का जार मिलता है जार पे आपको सारी इंग्रेडिएंट लिस्ट और सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है ममा अर्थ एक क्रियलिटी फ्री ब्रांड है जिसके किसी भी प्रोडक्ट में पैराबेन और एसएलएस और एसएलएस नहीं होता है तो ये आपके लिए सेफ है और हार्मफुल केमिकल से फ्री है इसकी इनर uh, पैकेजिंग आप देख सकते हो किस तरह की है जब आप इस जार को ओपन करते हो तो अंदर भी एक लिड मिलती है जिसको हटाने पर आपको प्रोडक्ट अपने हाथ में मिलता है ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी के साथ में और क्रीमी प्रोडक्ट है आप जब इसे अप्लाई करोगे तो बहुत इवनली आपके बालों में ये इजीली स्प्रेड हो जाता है फ्रेंड्स ये थी इसकी आउटर पैकेजिंग इस हेयर मास्क को अप्लाई कैसे करना है एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि कैसे मैंने इस हेयर मास्क को अपने बालों पे अप्लाई किया और क्या मेरा बिफोर और आफ्टर रिजल्ट था आफ्टर रिजल्ट तो आप लोगों के सामने ही है बट इससे पहले आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि इससे अप्लाई करने से पहले मेरे हेयर कितने ज्यादा रफ नजर आ रहे थे और अप्लाई करके जब मैंने अपने बालों को ड्राई कर लिया तो मेरे हेयर कितने सॉफ्ट एंड मैनेजेबल फील हो रहे हैं किसी भी हेयर मास्क को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले अपने बालों को बहुत अच्छे से डिटेंगल कर लीजिए यहाँ मैं अपने बालों को प्रॉपरली डिटेंगल कर रही हूँ कॉम्ब कर रही हूँ आप अपने आँखों से अभी देख सकते हो मेरे बाल कितने ज़्यादा रफ ड्राई हो रहे हैं मतलब मुझे कॉम्ब करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी ज़्यादा रफ ड्राइनेस मेरे बालों में इस समय थी फ्रेंड्स बीच बीच में मेरी डॉटर भी आ रही थी मैं उससे बातें भी करते जा रही थी ये देखिए जैसे ही मैंने बालों को कॉम्ब किया इसके लिए बार बार उलझ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट एंड्स भी इन दिनों मेरे बालों में हो गए हैं तो इन्हें प्रॉपर्ली कॉम करके अच्छे से सुलझा लेने के बाद में मैंने अपने बालों को एक बार वॉश किया है अगर आपको हेयर वॉश करना है तो आप शैम्पू पहले ही कर लें आपको मास्क वॉश करते टाइम पे शैम्पू अप्लाई नहीं करना होता है यहाँ मैंने शैम्पू किया है सिर्फ़ और उसके बाद अपने बालों को एक बार टॉवल से अच्छे से पोंछने के बाद गीले बालों में ही हेयर मास्क हमें हमेशा अप्लाई करना होता है जब भी आप किसी पार्लर में भी हेयर स्पा के लिए जाते हैं तो वे आपके बालों को प्रॉपरली वेट करते हैं यहाँ मेरे बाल प्रॉपरली गीले हैं बस टॉवल से इन्हें पहुँच लिया ताकि पानी इनसे ना टपके इसके बाद में मैंने इस हेयर मास्क को अप्लाई कर रही हूँ लेकिन आदत है हर फ्रेगरेंस को पहले चेक करने की इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी माइल्ड है जिन लोगों को फ्रेगरेंस से प्रॉब्लम है आई डोंट थिंक उनको भी इससे कोई दिक्कत होगी काफ़ी माइल्ड इसकी फ्रेगरेंस है आप जब इसे अप्लाई करें अपने बालों के छोटे छोटे सेक्शंस को लेके उसमें अप्लाई करें जैसे आपने थोड़े बाल ले लिए फिर अपने हथेली के अंदर पूरी प्रॉपरली मास्क को लें और इसको ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है तो अच्छे से अपने बालों में लेंथ तक स्पेशली अपनी रूट से लेकर के टोटली लेंथ के एंड तक आपको इसे अप्लाई करना है क्योंकि जो हमारे बालों में ड्राइनेस आती है वो मेजरली हमारे नीचे के बालों में आती है क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हम खुले रखते हैं या हेयर स्टाइलिंग जो भी करते हैं हमारे नीचे से बाल काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं उनसे तो अपने बालों में प्रॉपरली आपको एंड तक अच्छे से इसको अप्लाई करना है और स्ट्रेट करते हुए बालों में अप्लाई कीजिए क्योंकि अगर आपने कभी पार्लर्स में भी करवाया है तो वो स्पा करते हुए आपके बालों को लेंथ के साइड से अच्छे से उन्हें अपने बालों से जैसे मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं आई डोंट नो मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं जैसे मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ सेम वे में वे लोग भी अप्लाई करते हैं तो मैं हमेशा अपने हेयर मास्क को इसी तरह से अप्लाई करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप भी अपने छोटे छोटे पार्टीशन में लेकर ले के हेयर मास्क को रूट से लेके एंड तक अप्लाई कीजिए और स्पेशली ध्यान रखिएगा कभी भी हेयर मास्क को अपने स्कैल्प पर मत लगाइएगा हेयर मास्क सिर्फ और सिर्फ बालों के लिए बने होते हैं इन्हें कभी भी हमें अपने स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना चाहिए यहाँ मैंने थोड़े थोड़े बाल लेके कर प्रॉपरली अपने पूरे बालों में इनको कवर कर लिया है ताकि अच्छे से मेरे पूरे बालों में मैं इसको अप्लाई कर सकूँ नाउ डिपेंड्स ऑन योर लेंथ कि आपके हेयर्स की लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट आपके लिए टू टाइम्स या थ्री टाइम्स कितनी टाइम्स आपके लिए अप्लाई हो सकता है यहाँ प्रॉपरली अप्लाई करने के बाद में मैंने अच्छे से ऊपर सर पे भी इसको अच्छे से लगा लिया है लेकिन स्कैल्प पे नहीं लगाया है और फिर अपने हेयर्स को आप टाई कर लीजिए और अराउंड मैंने इसे थर्टी मिनट्स के लिए अपने बालों में रखा था थर्टी मिनट्स के लिए बालों में रखने के बाद में एक नॉर्मल लुक वॉर्म वाटर के साथ में इसे वॉश करना है कोई शैम्पू कंडीशनर आपको उस समय अप्लाई नहीं करना है और उसके बाद अपने बालों को आप टॉवल ड्राई कीजिए और इफेक्ट आप खुद देख पाओगे कि आपके बाल इंस्टेंटली काफ़ी हद तक स्मूथ और सिल्की सॉफ्ट नज़र आते हैं हेयर मास्क को अप्लाई करने के बाद में मैंने अपने हेयर्स में इसको करीब अराउंड थर्टी मिनट्स के लिए रखा और उसके बाद में लुक्मॉम वाटर के साथ में इसको वॉश कर लिया किसी भी हेयर मास्क को अप्लाई करने से पहले आपके हेयर्स प्रॉपर क्लीन होने चाहिए शैम्पू किए हुए होने चाहिए और हेयर मास्क को आपको सिंपल पानी के साथ में वॉश करना होता है इसके बाद में आपको कोई शैम्पू कोई कंडीशनर अप्लाई नहीं करना है सो so, मैंने अपने बालों को सिंपली वाटर के साथ में वॉश किया और दैट्स इट मैंने अपने बालों को बस टॉवल ड्राई किया और ऐसे ही एयर ड्राई होने के बाद में मैं आप लोगों के सामने हूँ सो फ्रेंड्स दिस वॉज माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस हेयर मास्क अगर आपके बालों में ड्राईनेस है फ्रिजीनेस है आपके बाल काफी रफ हो गए हैं स्प्लीटेंट्स हैं तो इस केस में आपको एटलीस्ट ट्वाइस इन ए मंथ हेयर मास्क जरूर ट्राई करना चाहिए और अगर आप शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो आप इस मास्क के साथ में शुरुआत कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले इसी तरह की और यूजफुल रिव्यूज़ वीडियो के साथ में मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट थैंक यू